मॉर्निंग टू ऑल। और आज थर्ड डे है लैन का, और जैसा भी है हम टॉप वन रहे हैं, वन डे वन में भी, डे टू में भी, और आज भी हम टॉप करेंगे। और मैंने एक प्रे किया कि अगर गॉडलाइक जीतती है तो मैं मेरी वाइफ के साथ मनसा देवी मंदिर जाएंगे, हमारी देवी का मंदिर। तो अपन दोनों, मेरी वाइफ, मेरा बेटा और मैं, और वहां जाकर गरीबों को खाना भी खिलाएंगे। तो आज मुझे पता है कि मेरी माँ गॉडलाइक को पूरा सपोर्ट करेगी और पूरा जिताएगी, और सबको राधे राधे। बस होपफुली आज जो हम सबका सपना है वो पूरा होने वाला है, क्योंकि आई बिलीव इन गॉड। तो मुझे पता है कि वो मुझे निराश नहीं करेंगे, और हमारे कृष्णा जी वो तो ऑलवेज मेरे साथ हैं। तो बस बिलीव इन गॉड। भाई हम हो चुके हैं तैयार, अब हम निकल रहे हैं रूम से, और सीधे ये भी हो चुका है तैयार, तो हम निकल रहे हैं सीधे उसके कन्वेंशन के बाहर, क्योंकि हम पास में रह रहे हैं, बिल्कुल चल के सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है, और कुंडी भी खोल लेते हैं भाई। चलो मिलते हैं वहां पर, एंट्री दिखाते हैं अपनी, तब तक वेट करो। चलो भाई अपन तो निकल चुके हैं होटल से, और आपको दिखाता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है। आज धूप भी बहुत तगड़ी हो रही है आज तो यार। बस यहाँ से वो सामने है, ये रोड पार करके वो सामने कन्वेंशन है, वही है। तो भाई बस पहुँच गए हम कन्वेंशन के पास, आएगा मजा आज, लास्ट डे, मजा नहीं, ट्रॉफी उठा रहे हैं आज, ट्रॉफी पक्का वाली। A3, लेट्स बिगिन सैटरडे। गाइस अपन पहुंच चुके हैं भाई, भीड़ भीड़ बोल रहे थे ना, ये देख लो भीड़। तो भाई हमने एंट्री लेने की तैयारी कर रहे हैं, 11 बजे अभी एंट्री होगी, और मुझे पूरा विश्वास है अपने भगवान पे, अपने प्रेस पे, कि आज सब कुछ अच्छा होगा हमारे लिए। लेट्स सी। चलो चलो हम एंड में। And Team Limra, anyone in the top 8, as I mentioned, they need to cover up those 40 points as quickly as possible, and if they can do that with the first two games, it's we are live from God's own country to across the country and the whole world. Ladies and gentlemen, welcome to IQ Battlegrounds Mobile Pro Series 2024. They want to pack the power when it comes to power packed. Ladies and gentlemen, have been waiting for this moment night and day. Can the gods of BGMI deliver the promise? We will find out today. Ladies and gentlemen, it's Hero X Ray.
aside the monkey business and they are ready to conquer. After years of waiting, their moment is here. Let's go bananas! And imagine the story, right? Because you've been completely sidelined from a previous season. Put on the bench for a few times, became a sub, made a comeback to a different team, and now he showcases what he has been like. Completely been different. That performance, and in fact, not just the performance in the grand finale. Both into those protecting roles, protecting frontline, the captain, and information. Big man, I just let me tell you, these guys sitting there, they've been waiting for a long time and they're waiting to get off those chairs and cheer for their favorite team. They're waiting for the action to begin, and trust me, ladies and gentlemen, it is going to begin soon. All these welcome to the ICO BMPS 2024 Game 1! भाई आसाम से आया है हैशटैग आसाम कर देना गणपति बाप्पा बोलिया But the circle is closing in. Diana says going for that first game might be a slight delay over there. Run forward, no XP to work with, and Omega, he's going to be the playmaker in this one. He has hidden behind that rock for a very long time, just tracking these footsteps and giving information to it. Content bhai. Thank you. पहचान लिया ना दिल्ली से आया हूँ तो यहाँ पर हमारे साथ आज पावर भाई भी हैं और हेड्स भाई भी हैं कैसे हो आप आज आप आज आज आप आज आया मेरा क्रॉन्टन आज आया भाई क्रॉन्टन भाई और हेड्स भाई आज ही आया और इस जर्नी में दो भाई और मेरे साथ जुड़ गए और चलो अभी कप लेके ही करता हूँ ब्लॉग स्टार्ट और कप लेंगे देन उसके बाद आता हूँ इस बार मेरे को हेड्स भाई ने गेस्ट का टैग दिया है और मैं जा रहा हूँ अंदर से पूरा लाइव करने जैली भाई हैवान भाई सब होंगे अमर भाई सब होंगे तो मैं आ रहा हूँ आप लोगों के पास गाइस तुम्हारा भाई कहाँ से व्लॉगिंग करेगा आप आएगा मज़ा Now we had those three finishes, so now you've also got your hitters here, outgoing those punches. Now when the old guards are also stepping up, I think this is all starting to align for them forever. Exactly, the stars are aligning as you mentioned about Oasis, so I completely agree with that. People were wanting him washed up when he showed up with this team, right? Everyone was doubting this man, and now he is going ahead and proving all of them wrong. By the end of today, so we are going to be figuring out the journeys of all these teams here, and it is a very towards the northeastern quadrant towards Camp Bravo. But considering it's a very small map, there is no such thing as access denied to certain quadrants of this playing map. Right now, everyone is free to head wherever they go. But Pixis, you and I, we are hoping for a few early drop clashes. Yeah, and that could be around boot camp. You can see a lot of those colors. Heading off at that direction. Of course, this things could have been different and Hero Extreme got like the stale in the mix, but where on earth is Team Xbox? Still towards Camp Alpha. Still looking to see if they can avoid the players of Ignite Gaming over there. And as we were talking about, Xbox, they take control of the high ground Siren. He sees those vehicles moving across the bridge. But the distance is a little too much. It's going to be better to secure those finishes unless Aditya decides to run. On foot, this is gonna be brutal. Oh my god, Hero Extreme God, like they're actually doing it. But look at Bone Style coming in from the back line. Players keep on falling down. Look at this, 5 minutes to secure on Benny. And Jonathan is starting to spit fire. This time, being the leader of here, starting to spit down the Quiz God as a Barrage. Keep on. तो बहुत सारी कॉम्पिटिशन कॉम्बिनेशंस हैं इस समय बहुत सारे चर्चे चल रहे हैं कि अगर इतने चिकन डिनर्स निकालते हैं इतने फिनिशर्स होते हैं तो और हेवन भाई कैसे हैं आप कोई भी बेटर सॉल्टर
Because this was one of those fights where you did not have either of these teams really in contention. But now let's talk about the teams that could actually pull off an epic comeback. Now I'm not talking about the top three. Jelly Bhai. I am talking about teams like Even Versatile. Because for a moment, Johnny, you are a believer, right? Yes. They got the chicken dinner, just crossed past 80. Imagine Versatile get another chicken dinner. They could be potentially difficult situation for Xbox right now here. Joker also scouting out rotations down south, and I believe he scouted out members coming from Versatile. And as you can see, knowing that that is godlike as well as Versatile, the only other option. They can pull this off. They are going to be in front of the wall. Find a godlike. They can be pinned down right next to that bridge. No escape options available unless they pull off a miracle. Look at this. Players knocked down. Jonathan and Sim still left standing, hoping for those revives. And this shift of the circuit, it can put an end to their journey. Two options on the board. Go for the finishes or just play for survival. They still have time. They still have time, but not a lot to work with. 40 seconds. और अभी आपने इस गेम में तो अपना बेस्ट दिया, तो बीच में लग रहा था कि ये चिकन डिनर शायद हमारे हाथ से निकल सकता है. एक पल के लगा था, लेकिन जब हम लोगों ने स्लैम करा उसके लास्ट टर्न में, उसके फिर पता चला कि हम चिकन मार सकते हैं. And of course, it messes things up, being spoilers, right? But mathematically, it is still possible for either of these three teams. All they need is one more chicken dinner or one, and one more decent game, which is the final two games, and they're gonna be A-OK. Listen. I think I've got an idea that has come into my mind. Right? But then again, you've got the other contender, Newman Forever. We saw them going head to head. 2024. We'll be taking home a check of rupees 2 lakh Indian national rupees. Congratulations, Punk, and thank you, Mr. Carter.
get the check of 20 lakh rupees to our second runners up, Hero Extreme Godlike. Thank you so much, Mr. Mino. Thank you so much, Godlike. Commentator, Kashas, please come. Downfall में भी साथ था, आज भी साथ. On the stage, please. Trophy चाहिए थी लेकिन नहीं आई. कोई बात नहीं. हम आपके साथ हैं, हमेशा रहेंगे. Kashas, please come. ये पंक की गॉडलाइक है. देखा था आपने, मेरा शेयर किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा. आपने अपने ब्रॉडकास्ट में किया था, बोला था कि मोटिवेट मिलेगा, बट कोई बात नहीं. हम पहले भी साथ थे, अब भी साथ और रहेंगे. आप टेंशन मत लो. मेरा तो ट्रेवल आपने देखा होगा. थैंक यू सो मच. चलो गाइस, एक अच्छे नोट में बंद करते हैं इस व्लॉग को. फिनिश करता हूँ लैंड जो भी हुआ. कल मेरी ट्रेन है, कल जाऊंगा. ट्रेन की मेमोरीज भी थोड़ी शेयर करूंगा आपसे. और इस सफ़र को यहीं ख़त्म करते हैं. कोई दिक्कत नहीं है, चाहे रिजल्ट कुछ भी रहा है, पर हम ऑलवेज गॉडलाइक के लिए सपोर्टिंग थे और रहेंगे. और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने अभी जर्सी भी गॉडलाइक की पहनी हुई है. और अब मैं अपनी स्ट्रीम में, हर स्ट्रीम में यही पहन के बैठूंगा. ये तो फोर श्योर है कि मैं अपनी स्ट्रीम में अब यही जर्सी पहन के बैठूंगा. और फुल सपोर्ट तो पहले से ही था और आगे भी रहेगा. बाकी सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा. इस स्ट्रीम को यहीं पर ख़त्म करते हैं. स्ट्रीम को मतलब मैं स्ट्रीम बोल रहा हूँ, इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं. चलो बाय, टेक केयर. और हो सके तो मैं अपने यहाँ से जाने की भी वीडियो डालूंगा, तो उसमें देखना कैसा सफ़र मेरा रहा. और सपोर्ट करते रहो अपने भाई को. तब तक के लिए बाय. लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना. बाय बाय. स्पोर्ट्स को जाके सपोर्ट करो, फॉलो करो. और वीडियो के लिए फॉलो करो.